सिंधी विलेज लाइव की एक नई वीडियो और मोर वाली डिजाइन के पार्ट नंबर 4 के साथ मैं आपकी खिदमत में मोहम्मद अमीन हाजिर खिदमत हूँ। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। 73वें फेरे में हम यहाँ पे इस रस्सी का जो निशान बनाया हुआ था 45 रस्सियों पे, तो वहाँ पे मोर की टांग शुरू की है। ये डॉट पहला, और उसके बाद यहाँ पे 8 रस्सियाँ, 2 रस्सियाँ और यहाँ पे जो है 12 रस्सियाँ, 11 रस्सियाँ। 77वें फेरे में जो है हम 2 यहाँ पे टांग, दूसरे मोर की टांग के लिए 2 यहाँ पे दबाएंगे, बाकी डॉट वैसे ही चलेंगे। और यहाँ पे हमने 5 उठाई हैं, 6 के बाद हमने यहाँ पे 7 रस्सियाँ दबाई हैं, 2 रस्सियाँ हमने फिर उठाई हैं और यहाँ पे हमने 9 रस्सियाँ दबाई हैं। 78वें फेरे में हम 3 यहाँ पे दबाएंगे, डॉट वैसे ही रहेंगे, यहाँ पे इसको 1 कम करेंगे, यानी कि पहले 7 थी अब 6 करेंगे, और यहाँ पे हमने जो है इसकी यहाँ 7 करनी है, 2 करनी है। और ये 59वां फेरा है मोर का, पूरी डिज़ाइन का, सॉरी ये 59वां फेरा पहले मोर का है और पूरी डिज़ाइन का जो है वो 78वां फेरा है। 79वें फेरे में जो है हम 5 रस्सियाँ दबाएंगे इस टांग वाले जो डबल मोर है उसकी, और यहाँ पे वैसे ही रहेगा, यहाँ पे हमने 5 रस्सियाँ करनी है। मोर के 61वें फेरे में दूसरे मोर के लिए हमने ये 7 रस्सियाँ उठाई हैं और पहली टांग को ऊपर वाली साइड पे मोड़ा है 3 के साथ, और वैसे डॉट, और यहाँ पे जो है 5-6 रस्सियाँ और 2 रस्सियाँ, यहाँ पे 5 रस्सियाँ। 62वें फेरे में हम दूसरे मोर का दूसरी टांग जो है वो यहाँ से शुरू करेंगे, उसके बाद 5 उठाएंगे, 5 के बाद 3 दबाएंगे, फिर ये यहाँ से हम 10 रस्सियाँ, 13 रस्सियाँ, 13 रस्सियाँ हम उठाएंगे और 1 दबाएंगे, उसके बाद 4 रस्सियाँ उठाएंगे, 5 के बाद हम 6 रस्सियाँ दबाएंगे, 2 उठाएंगे और 3 दबाएंगे, और यहाँ पे डॉट वैसे ही चलेगा। और के 63वें फेरे में हम यहाँ पे दूसरी टांग के 2 रस्सियाँ दबाएंगे और यहाँ पे 6 उठाएंगे और 3 दबाएंगे, फिर उसके बाद ये हमारी 14 रस्सियाँ हमने यहाँ पे उठाई हैं और 1 डॉट मारा है, उसके बाद 5 उठाएंगे, फिर यहाँ पे जो है 8 रस्सियाँ हम दबाएंगे। मोर का 64वां फेरा और जो है 83वां फेरा, यानी कि पूरी कम इस चारपाई के ये जो फेरे हैं 84 हो गए हैं, और 63वां फेरा और 64वां फेरा जो है इसका मोर का है। तो हमने यहाँ पे 3 दबाएं और 7 उठाएं, 3 दबाएं, 5 उठाएं, 5 मारें, और उसके बाद 5 फिर उठाएं, और उसके बाद 1 दानी मारी है, 4 उठाएं, और हमने 6 दबाई हैं। तो ये इस पहले वाले मोर का जो गर्दन है वो यहाँ से यूँ निकलेगा, और दूसरे वाला मोर जो है पैरों से शुरू हुआ है और ये इसका ही बॉडी जो है बन रही है। 65वें फेरे में जो है हम 5 रस्सियाँ दबाएंगे, उसके बाद 7 रस्सियाँ उठाएंगे, उसके बाद ये जो रस्सियाँ हैं हमने 15 दबानी है यहाँ पे, ये दूसरा वाला मोर है, उसके बाद ये डॉट, और ये 6 रस्सियाँ पहले वाले मोर में दबानी है। 66वें फेरे में हम यहाँ पे 6 रस्सियाँ, 7 रस्सियाँ उठाएंगे और 3 दबाएंगे, फिर 7 रस्सियाँ फिर उठाएंगे, और यहाँ पे जो हमने रस्सियाँ दबानी हैं वो 15 रस्सियाँ दबानी है, 15 रस्सियों का गैप देके, और यहाँ पे इसकी नेक बन रही है, गला बन रहा है, तो उसका 6 रस्सियाँ दबानी है, पहले वाला मोर है। 67वें फेरे में हम यहाँ से डॉट स्टार्ट करेंगे दूसरे मोर के साथ, और ये टांग का 3 दबाएंगे, फिर यहाँ पे 7 रस्सियाँ दबाएंगे, उसके बाद यहाँ पे हमने जो रस्सियाँ दबानी है वो रस्सियाँ दबानी है 14 रस्सियाँ हमने यहाँ पे दबानी है, और डॉट वैसे चलाना है 6 रस्सियाँ इधर।
68वां फेरा मोर वाला और 87वां फेरा जो है इसका है पूरी चारपाई के डिज़ाइन का, उसमें हम यहाँ पे तीन दबाएंगे, तीन के बाद छः उठाएंगे और यहाँ पे जो है हमने 15 रस्सियाँ दबानी है और 15 रस्सियाँ दबाने के बाद डॉट चलाना है 6 रस्सियाँ इसकी गर्दन वाली, बाकी वैसे ही डॉट चला। 69वें फेरे में हम यहाँ पे तीन दबाएंगे और 5 उठाएंगे, 5 के बाद हमने यहाँ पे जो रस्सियाँ दबानी है यहाँ पे आपने 16 रस्सियाँ दबानी है, बाकी डॉट वैसे चलाना है और इसकी गर्दन के 6 रस्सियाँ दबानी है। 70वें फेरे में हम यहाँ पे 5 रस्सियाँ उठाएंगे और 23 रस्सियाँ दबाएंगे, 23 रस्सियाँ यहाँ पे दबाएंगे और यहाँ पे 6 रस्सियाँ उठा के डॉट और ये 6 रस्सियाँ हम गले वाली दबाएंगे। मोर का 71वां और पूरी डिज़ाइन का चारपाई का 90वां फेरा है, तो इस फेरे में हम यहाँ पे 5 उठाएंगे और 5 के बाद हम यहाँ पे 15 रस्सियाँ दबा के 4 रस्सियाँ उठाएंगे, फिर 4 रस्सियाँ इधर से दबाएंगे और गले में यहाँ पे वही 6 चलेंगे। दोस्तों उम्मीद है आपको पार्ट इसकी सारी समझ आ गई होगी और इसमें हमने डबल मोर का जो है स्टार्टअप लिया और ये यहाँ तक, तो नेक्स्ट पार्ट तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।